दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जन औषधि केंद्र। आपने जरूर देखा होगा अपने सरकारी अस्पताल में या कहीं गांव या शहर में कि जन औषधि केंद्र जगह जगह खोले जा रहे हैं और भारत सरकार इसको बहुत ही प्रमोट कर रही है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जन औषधि केंद्र खोलने का मौका दे रही, बहुत ही कम पैसों में, लगभग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी अमाउंट आप लगाएंगे वो सारा रिफंड हो जाएगा और आप जीरो बैलेंस पे जन औषधि केंद्र या सरकारी मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो आज मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगा कैसे आप ओपन कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या इसके फायदे हैं, कौन ओपन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे। तो हाउ टू ओपन जन औषधि केंद्र आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन छाखड़ और आप देख रहे हैं हेल्प इन हिंदी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम है सर आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो जन औषधि केंद्र कैसे खोलें, क्या है, सारी डिटेल पढ़ने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जैसे आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपको यहां पर सबसे पहले होम पेज पर होंगे, आप आइएगा सरकारी योजना पर। जैसे सरकारी योजना पर आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहां पर आपको एक पोस्ट लिखा मिलेगा सरकारी, बहुत सारे पोस्ट दिए गए आप इसको देख सकते हो। ये खोले फ्री में सरकारी मेडिकल स्टोर, लाखों कमाने का मौका, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरा पोस्ट ओपन होकर आपके सामने यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पे सारी डिटेल आप पढ़ पाएंगे। चलो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। फ्री में खोली मेडिकल स्टोर, सरकार देगी 2.5 लाख रुपए और 100% मुनाफे की गारंटी। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको एलिजिबिलिटी में बता देता हूँ, आप सारी से यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। अप्रॉक्स 2.5 लाख रुपए में ये पूरा ओपन हो जाता है। ये अभी आपको स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट आपको 20 महीने का अप्रॉक्स 10,000 रुपए करके 25 महीने में आपका वापस कर देती है सपोज दैट। और इसमें अप्रॉक्स आपने 2.5 लाख रुपए लगाया, इसको 10,000 रुपए करके हर महीने आपके अकाउंट में डालती रहती है। तो कुल मिला के आपका जो 2.5 लाख रुपए लगता है वो भी वापस आ जाता है और फ्री में आप जन औषधि केंद्र ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड भी दोस्तों बहुत बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर दवाइयां बहुत ही उचित रेट पे बहुत ही सस्ती मिलती है। आप अगर विश्वास नहीं तो आप किसी जन औषधि केंद्र जाइए और एक मेडिकल स्टोर जाइए, दोनों में कंपेयर करिएगा कोई भी दवाई लेकर, तो आपको यहाँ पर अप्रॉक्स 40% दवाई सस्ती मिलती है, इसलिए लोग इसके प्रेफर कर रहे हैं। तो अगर आप मार्च तक इसको ओपन कर सकते हैं, मार्च तक आप इसको 40,000 जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसमें काफी खुल चुके हैं। अभी मार्च तक 2019 मार्च तक आपको 700 मेडिकल स्टोर खोले और जाने हैं देश भर में, तो उसके लिए अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको दी गई, आप पढ़ सकते हैं आकर कि और एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, कौन सरकारी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कौन कौन एलिजिबल है वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं आकर, और कैसे आवेदन करना है ये भी सारी चीज यहाँ पर आपको दी गई है। और ज्यादा डिटेल जो एलिजिबिलिटी आप कैसे अप्लाई करना उसका भी मैंने एक वीडियो पहले बनाया, तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत ही उम्दा इस समय आपके पास समय है, 700 मेडिकल स्टोर फिर से ओपन किए जा रहे हैं, तो आप अप्लाई कर दें अगर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम गारंटी, आपको पता है मेडिकल स्टोर में कितनी अर्निंग होती है। तो सब कुछ यहां पर दिया गया, आप यहां पर आकर पढ़िएगा। और मैं आपको बता दूं इसमें 2.5 लाख रुपए आपको पहले लगाना पड़ेगा, फिर इसके 10,000 करके आपका वापस आ जाएगा। अभी सरकार जो भी पहले से ओपन हो चुके वहां ऊपर वापस नहीं कर पाई, तो उन्होंने 20% एक्स्ट्रा जो भी आप सेल करेंगे उसमें 20% एक्स्ट्रा आपको दे रही है। और यहां पर जितना भी आप सेल करते हैं, मतलब सपोज दैट आप 1 लाख का सेल करते हैं तो 20% उसका देती है, मतलब 20,000 रुपए तो वो देगी और 10,000 रुपए आपका जो 2.5 लाख आपने लगाया, 10,000 उसका कुल मिला 30,000 रुपए महीने आपको मिलता रहेगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, तो आप इसको पढ़ें आकर सब कुछ समझें और आप आसानी से इस मेडिकल स्टोर को ओपन कर पाएंगे अगर ओपन करना चाहते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये पोस्ट आपको कैसा लगा ये भी मुझे